वेलकम बैक टू चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और, और guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्किन पैम्परिंग रूटीन जिसे सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स लगने वाले हैं बट जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी ग्लोई एंड ब्यूटीफुल बन जाएगी और ये जो रूटीन है गाइज आप इसे 10 दिन या 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स जो है उसे 10 टू 15 डेज में रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा बाकी जो स्टेप्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है उसे आप हमेशा वीक में एक या दो बार फॉलो कर सकते हैं और आपको पार्लर जाने की भी फ्रिक्वेंटली जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो रूटीन है इससे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी क्लीन फ्रेश और ग्लोई दिखती है तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं बट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी जो आने वाली वीडियो है उसे आप मिस नहीं करेंगे सो या चलिए शुरू करते हैं सो so, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी ये मेरा पहला स्टेप है और आईब्रो को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं प्लकर का या ट्वीज़र जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ आपको अगर थ्रेडिंग आती है तो थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो अपने ब्यूटी पार्लर से भी अपने आईब्रोज़ को सेट करवा सकते हैं बेसिकली आईब्रोज़ का सेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा जो है वो ब्यूटीफुल दिखे आईब्रोज सेट करने से जो चेहरा है वो आकर्षक दिखता है और ये पहला स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सो so, मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने पूरे जो चेहरे के बाल है उसे क्लीन कर लूँगी शेव कर लूँगी और इसके लिए यहाँ पे मैं ट्रीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सेफ है और अगर आपको रेज़र यूज़ करना आता है तो आप रेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो मुझे थोड़ा अनसेफ लगता है आ, तो या वो आपके ऊपर है सो so, यहाँ पे मैं पूरे चेहरे के जो बाल है उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी इससे जो चेहरा है बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोई दिखता है चेहरे पे अगर कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब होता है और जो चेहरा है बिल्कुल ग्लोई दिखता है क्लीन दिखता है सो so, यहाँ पे मैंने अपने पूरे चेहरे को अच्छे से शेव कर लिया है अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्लीन करना तो यहाँ पे मैं हिमालय का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए फेस को क्लीन करने के लिए आप क्लेंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट फ़ेस वॉश सही रहेगा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ स्क्रब से डेड स्किन सेल्स फ्लेकी स्किन रिमूव हो जाती है जो डार्क पैचेस है वो रिमूव हो जाते हैं। स्किन पे ग्लो ऐड कर देता है प्लस स्किन जो है क्लियर और स्मूद हो जाती है तो स्क्रब करना है हमें उसके बाद फिर मैं ये जो ब्लैकेट रिमूवर टूल है उसकी मदद से मैं पूरे जो नोज पे या जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव कर लूँगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और इससे जो इससे जो पोर्स की गंदगी है वो रिमूव हो जाएगी और और स्किन जो है वो ग्लोई एंड क्लीन दिखेगी तो ये स्किन को पैम्पर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इससे हमारा जो स्किन है वो ग्लोई एंड हेल्दी दिखता है सो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे मैं uh, फेस मास्क का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहे तो घर पे भी बना हुआ फेस पैक या फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पे ये इंस्टेंट मैं शीट इस्तेमाल कर रही हूँ इस फेस मास्क से क्या होता है कि स्किन जो है वो फ्लॉलेस और रेडियंट दिखती है स्किन पे एक ग्लो आ जाता है इसे चेहरे पे हमें 15 से 20 मिनट तक रहने देना है जब तक ये अच्छे से जो भी इसका एक्सट्रैक्ट है वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए स्किन पे। सो so, हमारा जो फेस मास्क है वो ड्राई हो गया इसे अब हम निकाल लेंगे और हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज कर लेंगे जो भी इसका एक्सट्रैक्ट बचा है वो हमारे स्किन पे अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो या ये अच्छे से अब्ज़र्व हो गया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे और यहाँ पे मैं टोनर का इस्तेमाल कर रही हूँ टोनर के लिए यहाँ पे मैं पिक्सी पिकसी टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ और अगेन आपके पास जो भी टोनर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये थोड़ा कॉस्टली है बट ये टोनर काफ़ी अच्छा है स्किन पे ग्लो लाता है ये टोनर और अगर आपको हथ्स की प्रॉब्लम है तो ये उनके दाग धब्बे को भी रिड्यूस करता है तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फेस ऑयल आप मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं फेस ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा अपने फेस को मसाज देने वाली हूँ तो फेस ऑयल परफेक्ट होगा सो इसे मैं अपने पूरे चेहरे पे हल्के हाथों से थोड़ा मसाज दूँगी जिससे मेरा जो स्किन है वो थोड़ी लिफ्ट हो जाए टोन दिखे और हेल्दी और ग्लोई स्किन के लिए फ़ेस मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आप इंटरेस्टेड है तो आई बटन पे आपको ऊपर मिल जाएगा तो आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं सो ये था आज का वीडियो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा लिखेगा सुगैस फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक टिलेक बाय